नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा का बजट सत्र शुरू, जीएसटी को लेकर होगा विशेष सत्र। करीब 18 बिलों को पास कराएगी सरकार। नवनिर्वाचित धौलपुर विधायक शोभा रानी ने की अनूठे अंदाज में एंट्री। राजधानी के हसनपुरा में फुटपाथ पर मिला शव, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कोटा में पुलिस की कार्रवाई, कारतूस और देशी कट्टे के साथ बदमाश गिरफ्तार। वारदात की फिराक में था युवक, पुलिस पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। सीकर के सरगोठ गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। प्रॉपर्टी डीलरों ने परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में महिला सहित 3 लोग घायल। ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2017 के तहत बूंदी में ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन प्रोग्राम की शुरुआत। किसानों में जागरूकता लाने के लिए संभाग के साथ मंडियों में कार्यक्रम शुरू। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राज्य विधानसभा का सत्र आज से फिर शुरू हुआ। सत्र के दौरान केंद्र में जीएसटी बिल को राज्य विधानसभा में पारित करवाया गया। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जीएसटी के सत्र की अवधि तय की जाएगी। साथ ही सरकार 14वें सत्र में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पेश कर सकती है। एसजीएसटी गवर्निंग काउंसिल ने 16 मार्च को बिल को फाइल कर दिया था। इसके बाद में बिल को फाइनल कर दिया गया। इसके बाद 27 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्यों को कह दिया कि वे जुलाई से पहले इसे अपनी विधानसभा में पास करवा लें। अब राजस्थान सरकार का भी प्रयास है कि इसे विधानसभा में पास करवाकर प्रदेश में लागू किया जाए। प्रदेश के धौलपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत कर आई विधायक शोभा रानी ने विधानसभा में अपनी एंट्री भी अनूठे अंदाज में की। सदन में प्रवेश से पहले शोभा रानी ने सदन की सीढ़ियों पर फूल माला रखकर ढोक लगाई। फिर पंडित के मंत्रोच्चारण के बीच करीब 1.5 मिनट तक सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। सदन के सम्मान और गरिमा के लिहाज से पहले ऐसा किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं किया जो शोभा रानी ने किया है। हालांकि पहली बार जीत कर आने पर विधायक सीढ़ियों के ढोक लगाते हैं, लेकिन पूजा अर्चना करके शायद ही किसी ने प्रवेश किया हो। लेकिन शोभा रानी कुशवाहा के पूजा अर्चना कर सदन में प्रवेश करने की लेकर पूरे सोशल मीडिया और माननीय सदस्यों राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय बना है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब पहली बार लोकसभा पहुंचे थे तो उन्होंने भी सदन की सीढ़ियों को अपना सिर रखकर ढोक लगाई थी। राजधानी के हसनपुरा इलाके में फुटपाथ पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने हत्या की बात से इनकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मृतक के मुंह से खून निकलता दिखाई दिया था। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक ये शव कुछ लोगों द्वारा यहां फेंकने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जो है गोलिया मस्जिद के बाद फुटपाथ पर खड़ी है। ये सूचना पर सब जाए हैं, थाने से जाप्ता आया है, मस्जिद से जा रहे हैं। तो प्राथमिक तौर से बॉडी विजिबल देखने के बाद नहीं पता चलता है कि कोई लावारिश था। और लोगों से जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि रद्दी वद्दी बीन को और भीख मांग कर इस तरह से फुटपाथ पर रहता है। प्राथमिक तौर से देखते हैं बॉडी से ऐसा लगता है कि जैसे कोई फूट कोई भी नहीं, कोई होटल के टुकड़े भी पास में रखे हैं सारी चीज़ें, उसके कारण ऐसा लगता है कोई कोई नहीं कहाँ से होगा। टेम्परेचर के तौर पर इसकी बॉडी फूट है, लेकिन सारी मस्ती की इस पर गर्म होगी, इसका पोस्टमार्टम होगा। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को दबोचा है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक महावीर नगर इलाके के सरकारी स्कूल के पास एक युवक के संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर युवक स्कूल की दीवार फांद कर भागने का प्रयास करने लगा। ऐसे में पुलिस ने युवक का पीछा कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया, जहां उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से हथियार बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पेट्रोलिंग के लिए निकला मैं तो ओपेरा रोड पे गश्त करता हुआ, न्यू राजीव गांधी नगर और तवा मार्ग नगर प्रथम सरकारी स्कूल के पास पहुंचा। तो जाप्ता को पुलिस वर्दी में देख करके स्कूल की दीवार के पास खड़े एक व्यक्ति भागा, जिसको वही जाप्ता गिरा देकर पकड़ा। तो उसके पास में एक देसी कट्टा, मैं एक कारतूस के मिला, जिसके संबंध में अनुज्ञा पत्र मांगा, नहीं होना पाया, नहीं होना बताया। सीकर के सरगोठ गांव में जमीनी विवाद के चलते प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों को रिंगस के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलरों का जमीन को लेकर एक परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन बीती रात अचानक डीलरों ने परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे गोपाल पूनिया और उसकी पत्नी निर्मला सहित एक अन्य युवक घायल हो गए, जिनमें गोपाल और मनमोहन की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारी पत्नी के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर झड़प पड़े और मोहन था, मोहन की पत्नी के साथ झगड़ा करने लगे, कहते तुम लोगों को मुकदमा दर्ज कराने आते हैं, मैं कराता हूँ तुम्हारा मुकदमा दर्ज। और ऐसा करके सतवीर कुड़े था, सुरेंद्र बेनीवाल था और रामू मान था, तीनों जने तो ये थे। इनके साथ साथ सात आठ आदमी और थे, प्लस महिलाएं और थी सात आठ। महिलाएं कौन थी, वहीं पास में किसी को बिठा रखा है इन लोगों ने अवैध कब्जा करवा के मेरे ही खेत में। 24 से 26 मई तक कोटा में होने वाली ग्लोबल एग्रोटेक मीट 2017 के लिए ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन प्रोग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री की विशेषाधिकार आंचल गुप्ता ने बूंदी कृषि उपज मंडी से की है। इसके तहत ग्राम के बारे में जागरूकता लाने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कोटा संभाग की 7 मंडियों में ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। किसानों को आकर्षित करने के लिए आयोजित इस ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन के दौरान मंडियों में ग्राम की 2D मॉडल लगाकर किसानों से चलो कोटा बोलते हुए वीडियो बनाया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल, मंडी सचिव TR मीणा सहित कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन में लगभग 30,000 किसानों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर के नसीराबाद में नेशनल हाईवे 79 पर प्रजापत रेस्टोरेंट के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गया। हादसा इतना भीषण था कि पलक झपकते ही 3 दुकानें जमींदोहो हो गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना का मुख्य कारण राजमार्ग पर बने डिवाइडरों और साइन बोर्ड पर सही लिखावट नहीं होना बताया जा रहा है। फिलहाल सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण में कुलपति और रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र नेता विष्णु चावड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही रैली भी निकाली। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने के बावजूद भी कुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही पेपर लीक हो रहे हैं। पाली के तख्तगढ़ तहसील के डोरियाली गांव में गर्मियों में पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या पिछले कई सालों से है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के विधायक को बताने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे। गर्मियों के समय में ग्रामवासियों को पानी के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं पर बाद में समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस मामले में आहोर विधायक से बात करने पर बताया गया कि जल्दी से जल्दी पानी की समस्या का समाधान किया जाए। अजमेर के नसीराबाद सुभाषगंज मंडी में पल्लेदारों और दुकानदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश माहेश्वरी ने बताया कि पूर्व में पल्लेदारों की सभी मांगे मान ली गई थी, लेकिन इन्होंने फिर से मजदूरी की दरें बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दिया है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं पल्लेदार यूनियन के अध्यक्ष शंकरलाल पथरिया ने मंडी के दुकानदारों पर जमकर शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे एकदम जायज हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने रेट बढ़ाने की बात की। हम यहाँ बैठ के एक समझौता होकर पुलिस प्रशासन उपखंड अधिकारी के सामने समझौता हुआ, उनकी रेट बढ़ा के देने को तैयार हो गए। उसके बाद बिना सूचना किए चार दिन बाद बिना सूचना किए कि एक रुपये और बढ़ाओ मजदूरी, तो हमने बढ़ाने में असमर्थ है। इस कारण से लेके हड़ताल पर उतर गया। हमने हमारी मांगे हमने व्यापारी संघ के सामने रखी, इन्होंने मानने से इनकार किया। कोई मांगे हमारी नहीं मानी, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल जारी रहेगी। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में ग्रामीणों ने आबकारी विभाग के प्रति भारी रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अनूपगढ़ रायसिंह नगर के मुख्य मार्ग पर जगह जगह विभाग की अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं, जिससे कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल व मंदिर के पास भी अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं। इससे कई बार आबकारी विभाग को अवगत भी करवाया गया व उप जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दो दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपने स्तर पर अवैध ब्रांचें बंद करवाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी भी आबकारी विभाग की होगी। बालोतरा के पास रिछोली ग्राम पंचायत में जश्न महबूबी व कौमी एकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि शरीक हुए। हैदराबाद से आए युवा मौलाना ने तकरीर पेश की, जिसे सुनकर लोग पूरी तरह से मदहोश हो गए।
नागौर के जायल में अपराध की रोकथाम सहित अन्य मुद्दों को लेकर सीएलजी की बैठक पुलिस थाने में आयोजित हुई। बैठक में प्रशिक्षु आरपीएस नविता खोकर ने बनबगरिया व खानाबदोश जाति के लोगों को जन सहयोग से बसाने और उन्हें शिक्षित करने को लेकर बात कही है। इस दौरान जायल थानाधिकारी रामपाल जाट, पूर्व प्रधान रिधिकरण लोमरेड, सरपंच सुनीता खटीक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में सेना क्षेत्र स्थित बोगरा आर्मी स्कूल में येलो डे मनाया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर धूम मचाई। इस मौके पर प्राइमरी स्कूल को पीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया, साथ ही स्कूल के सभी बच्चों सहित अध्यापिकाएं पीले परिधान में स्कूल पहुंची। शाला के मुख्य स्टाफ द्वारा बच्चों सहित अभिभावकों को येलो डे पर बधाइयां दी गई। प्रधानाचार्य चट्टोपाध्याय ने कहा कि समय समय पर विद्यालय में बच्चों में इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। बाड़मेर के पचपदरा की नवोदय स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से कई नरेगा श्रमिक घायल हो गए। घटनास्थल का जायजा लेने एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। करीब 25 मजदूर इसमें घायल हो गए, जिनमें से कई महिलाएं भी शामिल थीं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बीकानेर के गांव पांचू की नोखा रोड पर फांटे के पास बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि खंभा किसान के खेत में नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि खंभे में आग की लपटें देख ग्रामीणों ने लाइनमैन को इत्तला दी गई ताकि बिजली की सप्लाई बंद की जाए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर शहर के पूर्व सांसद महेश जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि से उनके कामों की याद आती है, श्रद्धांजलि देने से उनके जो काम के बारे में और मन में विचार आते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता हो छोटा मेरे जैसा, हम सब लोग जब श्रद्धांजलि के लिए आते हैं तो कहते हैं ना, इतिहास पे ही नए भवन बनते हैं, इतिहास पे ही नए देश का, नए समाज का निर्माण होता है। ये इतिहास की धरोहर हैं ऐसे लोग, जिनको श्रद्धांजलि देकर हम सीखते भी हैं और किस प्रकार आगे बढ़कर हम समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, किस प्रकार हम हमारी पार्टी के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो हमें संकल्प एक बार फिर से उस संकल्प को दोहराते हैं।